Hello students, good morning. Today we are going to start a composition part in our English language book. Okay students, in composition part you have to open page number 69. Okay students, open the page number 69. Today we will read composition and also picture writing on page number 76. Today we will read two things, composition and picture writing or story writing. Okay students, today's video you have to watch and do the work only in your book. Don't write in copy students. Okay, today in composition we will study the tiger, and picture writing we study Ali Baba and 40 robbers. This story we will study. Okay students, so don't forget, today's work you have to do in your book only, don't use copy students. Okay, so watch very carefully and listen it. Okay students, so let's start students lesson number 19, composition. In our composition part, we will start write essay. Okay, students? Now, first one is the tiger. Today, we will study how to write essay on the tiger. The tiger is a wild animal. It runs very fast. It has sharp claws and teeth. It had four legs and a tail. It eats flesh. It hunts animals like deer, sheep, goat and other animals to eat flesh. The tiger is our national animal. Students, ऐसे हम लिखते कैसे हैं? Suppose topic है the tiger, फिर उसके बारे में हमको think करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. Like tiger क्या है? एक wild animal है. So एक sentence हमने create कर दिया, the tiger is a wild animal. फिर then next आप सोचिए, वो बहुत तेज दौड़ता है. It run very fast. It has sharp claws and teeth. उसके पास बहुत ही sharp claws होते हैं, पंजे होते हैं, उसके teeth sharp होते हैं. इसी तरह से आपको think करके write करना है. Like यहाँ पे the elephant है, so आप लिखेंगे the elephant is a wild animal. The elephant is a wild animal. Okay, the elephant is a wild animal. Okay students, like then you have to write here, it has a very big ears like a fan. फ़ैन की तरह उसके कान होते हैं. आपने एक सेंटेंस ये क्रिएट कर दिया. देन वे क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं. इट ईट्स ग्रास, लीव्स. शुगर कैन इन्हें बहुत पसंद होता है, शुगर कैन आपने लिखा, एक्सेट्रा. देन उसके बाद आपने क्या करेंगे? उसके बाद आप लिखेंगे इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो वी कैन सी इन अ जू. हम उसे फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहती है और हम उसे जू में भी देख सकते हैं. ओके, इस तरह से आपको सेंटेंस क्रिएट करके उसके बारे में लिखना है. टू मोर सेंटेंस और आप यहाँ राइट करेंगे अपने सेल्फ से. ओके, दिस इज़ योर वर्क इन बुक. आपको ये बुक में वर्क करना है. ओके स्टूडेंट्स, देन कम ऑन पिक्चर स्टोरी राइटिंग. हाउ कुड यू राइट पिक्चर स्टोरी राइटिंग? ओके, नाउ पिक्चर स्टोरी राइटिंग.
द नेम ऑफ द स्टोरी इज अली बाबा एंड 40 रॉबर्स। अली बाबा और उनके 40 रॉबर्स की ये स्टोरी है। आपको यहाँ पे हिंट्स दिए हैं, उसके बेस पे आपको इसे फिल करना है और एक स्टोरी प्रॉपर क्रिएट करनी है। ओके, यहाँ पे अली बाबा और उनके जो 40 रॉबर्स हैं, उनके जो 40 रॉबर्स हैं, रॉबर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स चोर। अली बाबा और उनके 40 चोरों की ये कहानी है, पढ़ते हैं इसके बारे में। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड गिवन हिंट्स कंप्लीट द स्टोरी। पिक्चर्स की हेल्प से और यहाँ जो हिंट्स दिया है उसकी हेल्प से आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। लाइक डैश वॉज अ पुअर मैन, किसी के बारे में बात हो रही है जो एक पुअर मैन है। तो स्टूडेंट्स आप थिंक कीजिए, स्टोरी किसके बारे में? अली बाबा के बारे में। तो यू हैव टू राइट हियर अली बाबा। यहाँ से आपने अली बाबा पुट किया, यहाँ पिक किया, यहाँ राइट किया, अली बाबा टिक कर दीजिए। अली बाबा वॉज अ पुअर मैन। डैश ही वेंट टू अ डैश। आप थिंक कीजिए सेंटेंस को कि यहाँ पे क्या सुटेबल राइट होगा। वन डे, वन डे, एक दिन ही वेंट टू अ, एक दिन वे कहाँ गए? केव। केव मीन्स गुफा, सो यू हैव टू राइट हियर केव। केव दिख रहा है, केव के पास अली बाबा गए हैं, यहाँ केव पे आपने टिक कर दिया। इट वॉज डैश, यहाँ केव आपको दिख रहा है कि क्लोज्ड है, तो यहाँ पे आप क्लोज्ड लिखेंगे, इट वॉज क्लोज्ड। ही ट्राइड टू डैश इट, उन्होंने कोशिश किया था खोलने का, ओपन इट। देन सम डैश केम अप, तभी वहाँ पे कुछ लोग आए। कौन आए? रॉबर्स की बात हो रही है, रॉबर्स आए। अली बाबा डैश हिमसेल्फ, अली बाबा ने अपने आप को क्या किया? हिड किया, छिपा लिया, तो आप यहाँ हिड लिखेंगे। ही हियर्ड द चीफ रॉबर सेइंग ओपन सी सेम, उन्होंने सुना कि वहाँ पे जो रॉबर्स थे कुछ कह रहे थे, ओपन सी सेम। डैश द डोर ओपन, तब, देन यहाँ पे राइट करेंगे, देन द डोर ओपन। द रॉबर्स पुट डैश एंड डैश इन इट, जाहिर सी बात है रॉबर्स हैं, गुफा है, उसके अंदर वो गए और वहाँ से कुछ ले के आ रहे हैं, तो क्या होगा? गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ ऑप्शंस में आपको दिए हैं, तो गोल्ड और सिल्वर आपने फिल कर लिया। द रॉबर्स पुट गोल्ड एंड सिल्वर इन इट, तब रॉबर्ट्स ने गोल्ड और सिल्वर पुट कर लिया, रख लिया। देन द रॉबर चीफ अगेन सेड, जो रॉबर का चीफ होता है, हेड होता है, फिर वो अगेन बोलता है, शट सिमसिम, बंद हो जाए सिमसिम। तो फिर यहाँ पे आपने ये फिल कर दिया, द डोर क्लोज्ड, और डोर बंद हो जाता है। अली बाबा डैश द सेम, अली बाबा ने सेम क्या किया? डिड, डिड मीन्स करना, क्या किया? वही सेम चीज़ उन्होंने रिपीट किया जो रॉबर्स ने रिपीट किया था। एंड गॉट अ लॉट ऑफ डैश एंड सिल्वर फ्रॉम देयर, और वहाँ से वे लॉट ऑफ गोल्ड और सिल्वर पा गए। थस ही बिकेम डैश, और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स जब बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर अली बाबा पा जाएंगे तो उसके बाद वे क्या हो जाएंगे? रिच हो जाएंगे। सो यू हैव टू राइट हियर रिच। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हेल्प से और पिक्चर से आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। नाउ दिस वन यू हैव टू डू इन योर बुक द बैक साइड। हियर इज द स्टोरी एंड पिक्चर एंड हिंट इज गिवन हियर। दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इन योर बुक। ओके, सो कंप्लीट दिस स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। देयर वेयर टू फ्रेंड्स, द हेयर एंड अ टोटॉइस, कछुए और खरगोश की स्टोरी है ये स्टूडेंट्स। आपको फिल करना है बुक में, उसके बाद मैं बताऊँगी कॉपी में आपको कैसे राइट करना है। ओके,